Hello everyone, welcome back to my channel and good morning. Today is the 1st of October and आज मैं निकला हूँ मेरी जो दो साल से वेटिंग पे थी वो केदारनाथ राइड पे. एग्जैक्टली 3:51 पे मैं निकल चुका हूँ. 4 बजे मैंने प्लान किया था और सोचा था कि 3:30 बजे तक निकल जाऊँगा, बट ठीक है, अच्छा टाइमिंग है. 10 मिनट पहले मैं निकल चुका हूँ, जो सोचा था वही हुआ. थैंक गॉड ये मैंने फॉग लाइट लगा लिया है, क्योंकि उसके वजह से है ना बहुत सही लग रहा है रास्ता. इतना एकदम ज़्यादा नहीं, बट अच्छा खासा लाइट अप हो गया. और दूसरा, सस्पेंशन से मेरा आवाज़ निकलना चालू हो गया जैसे मैं घर से निकला, बट टेंशन में आ गया. बोले आगे के फॉग से थोड़ा सा कच 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 करके आवाज़ आ रहा है, कोई बड़ा इशू नहीं है, बट आ रहा है. मतलब आने राइड स्टार्ट होने के बाद ये सारी चीज़ें हो रही है भाई. सो वो, और जो मैंने यहाँ पे एक टूल किट रखी है, जो टूल्स रखे हैं, तो वो भी थोड़ा सा आवाज़ कर रहे हैं. और नासिक क्रॉस कर दिया मैंने, 157 किलोमीटर्स हो गए. नींद बिल्कुल नहीं आ रही है मुझे, और बहुत ही सही राइड चल रही. बीच में मेरी बहुत ज़्यादा पड़ गई थी, ऐसा लग रहा था रोड ऐसे ऐसे बाइक थोड़ी सी हो रही थी, मुझे लगा कि चलो हो गया कांड, अपना पंक्चर हो गया, बट नहीं, थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ. इज द बॉर्डर, यहाँ पे प्रॉपरली लिखा था कि वेलकम टू मध्य प्रदेश, तो शायद मैंने पहले गलत बोला था, अब ये उत्तर प्रदेश वगैरह. सो ये हम लोग मध्य प्रदेश में अभी एंटर कर चुके हैं, और ये बहुत बड़ा स्टेट है, तो बहुत ही दूर जाना है हमें अभी. एकदम जो नॉर्थ पॉइंट है वहाँ तक जाना है, मतलब ग्वालियर जो हमारा फर्स्ट जो आज के दिन का स्टॉप है, एंड पॉइंट, तो वो बहुत ही ऊपर है, तो वहाँ तक जाना है. अभी टाइम कुछ हो रहा है 11:34, 11:30 बज गए और 510 किलोमीटर हो चुके हैं. बहुत ही अच्छे चल रहे हैं. अभी मैंने थोड़ा वॉशरूम पे किया, फ्यूल तो है अभी 200 किलोमीटर के आसपास फ्यूल बचा है. इंदौर भी अभी 50 किलोमीटर के आसपास ही है, आराम से पहुँचेंगे यहाँ पे. वॉशरूम सही मिला एकदम, गाड़ी एकदम छाँव में खड़ी है. एक 5-10 मिनट यहाँ पे रुकूँगा, पानी पीता हूँ और फिर कंटिन्यू करूँगा. खाना वाना के लिए टाइम पास भी नहीं करूँगा मैं, एक जो भी मिलेगा रास्ते में वो ऐसे ही खा के निकल जाऊँगा. क्योंकि अगर प्रॉपर लंच वगैरह के चक्कर में रहा तो पहले तो नींद आ जाएगी और टाइम बहुत चला जाएगा. तो ये है बादल, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ऐसे ब्लू स्काई. यहाँ पे आगे लाइट ब्लू है, ऊपर डार्क ब्लू है, और वाइट, एकदम वाइट कलर के बादल, बहुत सही लगता है ऐसे पूरे हर एक साइड में. और शुरुआत में हम लोग जब भी जर्नी कर रहे थे तो वो टाइम पे बादल नहीं थे, बट स्काई ब्लू था. अभी बादल भी आ गया और छोटे छोटे माउंटेंस भी है, सो बहुत अच्छा लग रहा है. सो ये एक ब्रिज से हम लोगों ने अभी राइट ले लिया है नीचे से, और सीधा आई थिंक उज्जैन रोड जाता है, और बाकी राइट लेने के बाद ये रोड जाता है यहाँ पर, ये देखिए गुना, वो शायद उज्जैन के लिए जाएगा. ये गुना, ग्वालियर और आगरा, सो अपना ये डेस्टिनेशन है. ये साला मेन हाईवे से नीचे उतर के दूसरा हाईवे पे लगा देते हैं ना, वो साला कन्फ्यूजन है. ऊपर से मोबाइल जेब के अंदर, क्योंकि वो ओवर हीट हो रहा है. ओह गॉड, बारिश स्टार्ट हो गई. मैं अपना माइक बजा रहा हूँ क्योंकि वो कनेक्टेड है, और भाग रहा हूँ इधर से क्योंकि बस यही पैच है जहाँ पे बारिश हो रही है, उसके आगे वाला है ना पूरा एकदम ब्लू कलर है, तो वहाँ पे कुछ नहीं. लेकिन तो ये पैच से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं भगा रहा हूँ. खाने में ऑर्डर किया है खिचड़ी, क्योंकि ज़्यादा हेवी नहीं खाना है, लेकिन टाइम लग गया. अभी 3 बज गए यहीं पे, अभी खाना खाने के लिए 10 मिनट और फिर वहाँ निकलेंगे यहाँ से. ओके, सो खाना हो गया, चेन भी स्प्रे कर दिया मैंने. टाइम हो रहा है 3:20, चलो वैसे तो आधा घंटा इधर लगने वाला था. 5:45 बज रहे हैं, 4:46, और थोड़ा सा शाम एकदम होना स्टार्ट हो गई है, और हाईवे बहुत अच्छा हो गया. अभी पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ, गुना से आई थिंक 50 किलोमीटर के पहले रहूँगा मैं. तो हाईवे बहुत ही खूबसूरत है, बड़ा हाईवे, बट प्रॉब्लम क्या है ना, ये देखो, ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ा. ये गाय और बैल है ना बीच में ऐसे बैठे रहते हैं ना, और इधर इधर ऐसे घूमते रहते हैं वो, तो बाद में कुत्ते.
सो कभी भी ऐसा बीच में ऐसा आ जाते हैं ऐसे, और ये देखिए यहाँ पे तो वहाँ पे ना क्या बोलते हैं रेज फॉल हो रहा है, रेज फॉल जैसे बारिश होती है जैसे वो किरने नीचे गिर रही है, सो ऐसा कुछ है। सबसे गंदा मुझे एक्सपीरियंस आया ना अभी तक तो वो है जब इंदौर के बाजू से मैं जा रहा था, लोग लिटरली आगे से आ रहे, मतलब ये लेन जाने के लिए तो लोग आ रहे, और सिर्फ ऐसे नहीं कि बाइक्स वाले आ रहे हैं या फिर कार वाले आ रहे हैं, अरे ट्रक वाले भी घुस रहे हैं, और पूरा एकदम ऐसा लंबा लाइन लगा हुआ था। सो इट्स 830 to 870 किलोमीटर्स इज डन, एंड जो शाम की जो शाडो आ गई थी वो निकल गई और वापस से एक साइड से धूप चालू हो गई, और रोड जो है वो बीच बीच में ना बहुत सारे खड्डे हैं, वो भरने का काम पीछे चालू था, धीरे धीरे वो सब भरते भरते आ रहे हैं, बट ये देखिए बहुत ज़्यादा खड्डे यहाँ पे है और कुछ कुछ तो बहुत ज़्यादा डीप है। शिवपुरी आने के लिए और 40 से 50 किलोमीटर है। तो आज के दिन का फाइनल पेट्रोल मैंने भर लिया है 1000 रुपये का, सो एवरी टाइम मैं 1000 भर रहा हूँ, 900 किलोमीटर हो चुके हैं, और सामने देखिए क्लाउड, देखिए ये दोनों क्लाउड देखिए कितना कितना सही है वो, और ये लेफ्ट राइट देखो और फिर गाड़ी यहाँ पे डालो, और ये एक छोटा पैच ऑफ रोड का लगा है, रोड का काम चालू है इसके वजह से यहाँ पे रेड दिखा रहा था, मैं 3-4 दिन से चेक कर रहा था तो कंटिन्यूस यहाँ पे रेड दिखा रहा था, तो दिस इज़ द रीज़न के काम चालू है। ये जो शिवपुरी का बाईपास एंड होता है उसके आगे ये चालू हो जाता है ऑफ रोड। भी पनिहार टोल प्लाजा के यहाँ पे रुका हुआ हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, मतलब होटल वोटल वगैरह कुछ दिख ही नहीं रहा, सो मुझे पहले ऐसे लगा था कि कुछ रहेगा, बट पिछले 50 किलोमीटर से मैं ढूंढ रहा हूँ बट कुछ मिल ही नहीं रहा है, सो मैं अभी काम करता हूँ थोड़ा गूगल पे सर्च करता हूँ booking.com वगैरह कुछ आजू बाजू में है क्या, नहीं तो फिर ग्वालियर में ही देखना पड़ेगा क्योंकि 1 घंटा मुझे लगने वाला है ग्वालियर पहुँचने के लिए, 1 घंटा 35 मिनट्स ही लगेंगे अभी। ओके सो लेट मी चेक एंड फिर डायरेक्टली आई थिंक होटल के यहाँ पे ही जाके बात करता हूँ। हाँ खतरनाक सीन हो रहा है अभी, 8 बज के 8 मिनट हो गए, बहुत लेट हो गया। ओके गाइस सो मैं पहुँच चुका हूँ रूम में, 1600 रुपये देना पड़ा, ये सुबह 5 बजे तक है, होपफुली नींद अच्छी आएगी, एसी भी है। होटल इसका नाम है उदय और ये पार्किंग एरिया है, अच्छी खासी पार्किंग है यहाँ पे, तो मुझे ये अभी गूगल से शॉर्टेस्ट मैप दिखा रहा है ना, मैं उसी से जा रहा हूँ, 10:24, ये आगरा से होके जाने वाला है रोड, टपोला वाटिका रिसोर्ट करके है वहाँ पे मैंने होटल लिया है। ओके तो सबसेट है, मैं यहाँ से अभी निकलता हूँ। पूरे दिन मतलब कल के पूरे राइड के बाद आज मुझे ये फील आ रहा है कि मैं मध्य प्रदेश या फिर नॉर्थ साइड में थोड़ा सा आ गया हूँ, क्योंकि जैसे ये देखिए जो मिट्टी का कलर है ना वो थोड़ा सा चेंज हो गया, जो हमारा महाराष्ट्र का रेड कलर का जो मिट्टी रहता है और यहाँ पे है ना थोड़ा सफ़ेद कलर का थोड़ा सैंड भी रहता है, मिट्टी भी रहता है ऐसे, तो ये देख के फील आता है कि हाँ भाई हम लोग अभी कहीं अलग स्टेट में आ गए। कल मुझे वो फील नहीं आ रहा था बट आज आ रहा है, सुबह सुबह से आ रहा है और रोड खाली है मस्त एकदम, आज कुछ गाना वगैरह कुछ नहीं है, टारगेट आराम से अचीव होने वाला है अपना दोपहर तक। कि आगरा के गांव में से जा रहे हैं, गांव मतलब अंदर के रोड से, फिर एक पुरानी हवेली टाइप, तो कि अभी थोड़ा सा ही अंदर से जाना है, बट अच्छी बात है कि हम लोग सुबह के टाइम पे आ रहे हैं, नहीं तो अगर यही हम लोग और थोड़ा 1-2 घंटा लेट होते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है, क्योंकि कैसे भीड़ बढ़ जाती है। माय गॉड कोई तो फोर्ट है या फिर क्या है पता नहीं, बट बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू, सही है यार, सही है, सही दिख रहा है सब कुछ। ओह माय गॉड
एक मैं यहाँ से थोड़ा सा दिखा देता हूँ, रिवर एंड देन साइड में कुछ तो है। 850 रुपीज़ का पेट्रोल डाला और यहाँ पे जो फ्यूल प्राइस है वो है 96 रुपीज़, 10 रुपया कम, क्योंकि कहीं जगह पे 110 था कहीं जगह पे और मोस्ट ऑफ जगह पे 106 ही था, बट बीच में ज़्यादा था और यहाँ पे 10 रुपया कम है, अच्छी बात है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा आ गया, देखो ये मेरा हाथ है और ये पराठा है, कितना बड़ा है। तगड़ा ब्रेकफास्ट है मेरा। चलो बाय। चलो तो अभी मेरठ पहुंच चुके हैं, राइट नाउ द टाइम इज 11:31 और किलोमीटर 323 हो चुके हैं और बाकी है अभी और 168 किलोमीटर बाकी है जो होटल मैंने बुक किया है। नारियल पानी वाला मिल गया, कितने का है? 60। ठीक है, एक पानी वाला दे देना। फाइनली हरिद्वार का बोर्ड मुझे अभी साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 130 किलोमीटर हरिद्वार है और उसके आगे 20 किलोमीटर ऋषिकेश है। सो अभी मैप तो मैं मोबाइल मैंने अपने अंदर ये जैकेट के अंदर डाल दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, अभी दोपहर का टाइम है, 1:15 बज चुके हैं। सो अभी डायरेक्टली मैं आई थिंक हरिद्वार नहीं तो ऋषिकेश पहुँचूंगा, तभी कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि कैसे ना बाहर निकाल के रखूँगा ना मोबाइल तो गर्म हो जाएगा। और तो बहुत ढूंढने के बाद फाइनली मुझे गन्ने का जूस मिल गया, मतलब मैं कब से ढूंढ रहा था, नारियल पानी पिया वो नहीं मिल रहा था इसके लिए, बट फाइनली मिल गया भाई। इंजन स्टार्ट हो गया, दो ग्लास पीऊँगा। फाइनली हम लोगों ने उत्तराखंड, मतलब मैंने उत्तराखंड एंटर कर लिया है, पीछे लिखा था कि वेलकम टू देवभूमि उत्तराखंड, सो एवरीवन वेलकम टू दी देवभूमि ऑफ देवभूमि उत्तराखंड। सही है एकदम, बहुत सही लग रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर इतना कम वगैरह ऐसा कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पे, शायद जैसे जैसे मैं पहाड़ चढ़ूंगा तभी वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। सो यहाँ से हरिद्वार इज लाइक 50 किलोमीटर्स और उसके आगे 20-25 किलोमीटर्स ऋषिकेश है। सो आराम से निकल जाएंगे। ये देखो भाई साहब, लेफ्ट साइड में जो पानी का फ्लो है ना, इतना खतरनाक है, गंगा रिवर। सो पानी का जो फ्लो है ना यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ऐसा, मतलब देख के डर लगता है, कलर भी उसका मतलब ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा हेवी फ्लो से आ रही है। और जो मेन स्टैचू है भगवान महादेव का वो देखिए यहाँ पे, एंड दिस इज़ द ऑल फ्लो, ये महादेव का फोटो स्टैचू है, कितना बड़ा है, हर हर महादेव। हाँ सो मैं पहुँच गया यहाँ पे और तपोवन वाटिका, यहाँ पे मैं डॉर्मेंट्री ऑप्शन चूज़ किया था क्योंकि मुझे लगा कि मैं बहुत लेट आऊँगा रात को और प्राइस भी बहुत अच्छी थी, 675 रुपीस में मुझे रात को अभी मिल रहा था। बट सो ये मेरे, मैं दिखा देता हूँ आपको,
मुझे होटल का एक वर्क, यहाँ पे होटल में काम करने वाला एक बंदा ने मुझसे बोला कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्पॉट है जहाँ से आप ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं, सो वी आर गोइंग देयर। वो मुझे लेके जा रहा है। पहले तो अभी हम लोग है ना शाम के टाइम पे ना एक फेमस जो स्पॉट है जहाँ से बहुत ही खूबसूरत ऐसा व्यू दिखता है, तो वहाँ पर जा रहे हैं। इसका नाम क्या है? के आर की। कुछ सिनारियो ड्राम झूले का सवा सात बज चुके हैं और मैं अभी यहाँ पे आ रहा हूँ। लाइट नहीं यहाँ पे, तो बाइक की लाइट में जो मेरा फेस दिख रहा है बस उतना ही, दैट्स इट। तो ये है वो फेमस घर, मतलब पता नहीं फेमस है कि नहीं, बट ये घाट है और इसके बाजू में ही है यहाँ पे राम झूला। तो अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है और ये स्टेप्स है। मोस्ट ऑफ घाट सब ऐसे ही होते हैं, यहाँ पे भगवान का कुछ अगर कुछ रहेगा तो छोटी आरती वगैरह सब करते हैं। बहुत अच्छा लाइट यहाँ पे मोबाइल में तो दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा अंधेर है और ये नीचे पानी। तो एक मुझे ऐसी चीज़ लग रही थी कि एटलीस्ट राम झूले का ना लाइटिंग वाइटिंग कुछ तो करना चाहिए था, जो अभी तक उन लोगों ने किया नहीं है। अभी हो रहे हैं सुबह के कुछ 5:30 बज रहे होंगे और मैं अभी ऋषिकेश से निकल रहा हूँ केदारनाथ के लिए। ऋषिकेश से हम लोग निकल रहे बद्रीनाथ इज टू केदारनाथ इज 223 किलोमीटर और जो हमारा लोकेशन है वो है यहाँ से 196 किलोमीटर और 6 घंटे दिखा रहा है यहाँ से पहुँचने के लिए। ये देखिए क्या सही व्यू है यहाँ से, गंगा नदी, गंगा रिवर यहाँ से मस्त एकदम फ्लो रही है। यहाँ से भी दिख रहा है कि फ्लो बहुत तेज़ है और सामने वो लाइट वहाँ से सनराइज होगा। उसके वो दो पहाड़ों के बीच में जो बादल है वो भी सही दिख रहा है। होपफुली आपको ये व्यू अच्छा लगा रहेगा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब। हाँ यहाँ पे ले सकते। तो मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ यहाँ पे, अभी वायर है बट ठीक है चलेगा। सो मैं यहाँ पे अभी एक जो संगम पॉइंट है ये देखिए बाइक यहाँ पे लगा दिए और यहाँ से ही बराबर आगे ये एक संगम पॉइंट है तो मैं वहाँ पे रुका हूँ।
ये जो संगम है ना वो भागीरथी और अलकनंदा रिवर जो है उसका संगम है, और जो आगे जाके गंगा से कंटिन्यू होती है, गंगा के कंटिन्यू होती है। सही है, बहुत सही है। अभी आई थिंक हम लोग देवप्रयाग के आसपास है। तो यहाँ से और 135 किलोमीटर है अपना रास्ता। अभी हम लोग एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जा रहे हैं। ये है अलकनंदा, ये भागीरथी रिवर जो बहुत ही खूबसूरत है। उसका कलर लाइट ग्रीन कलर से ये और फ्लोरिंग बहुत अच्छा लग रहा है देखने के लिए। भले ही ये ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाए बट हर चीज़ हम लोग है ना एक्सपीरियंस करेंगे, हर चीज़। ये देखिए टर्न लेके जा रही है, कितना बड़ा फ्लो गया, बहुत ही सही दिख रहा है आपसे। जब भी आप किसी ऐसी जगह पे जाते हो ना तो थोड़ा सा सब पॉज लेके एक छोटा सा एक जो उस जगह का जो फील है ना वो लेना चाहिए, क्योंकि कैसे बाद में बस हम लोग यही सोचते रह जाएंगे कि काश वहाँ पे एक मिनट और रुक जाते ऐसे। तो जहाँ वो वाला, यहाँ से तो नॉर्मल जा रहा है पानी और वहाँ पे थोड़ा सा फ्लो बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ पे आई थिंक नीचे पत्थर है तो उसके वजह से वो पूरा ऐसे बह रहा है, और बीच में एक छोटा सा लैंड, बारिश नहीं है उसके वजह से फ्लो बहुत ही ईजी और धीरे है। क्या बात है, सही है। आलू पराठा और यहाँ पे एक सांभर की तरह सब्जी है, गीली वाली सब्जी उसके साथ, चेक करते दही है क्या। सो राइड इज़ गोइंग बहुत ही ऑसम। आई थिंक ये वीडियो 9:30 बजे और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो देख होगा ये आज का दिन लंबा हो क्योंकि इतने खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं और जर्नी जो भी बहुत खूबसूरत चल रही है इसकी वजह से। सो लेट्स ये रात का ही है और सब एकदम प्रॉपर क्लीनअप चालू है, ऐसी कुछ चीज़ें रहती है इसे। अभी और 5 मिनट लगेगा। सो नाइस, वेट करता है। और ये वाले पॉइंट पे आके ना रास्ता बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है, ओनली अ सिंगल कार और अ बस कैन नो मूव फ्रॉम दैट सेक्शन। ऊपर पहाड़ है और ये ऐसे। सो होपफुली हम लोग मतलब सच में हम लोग अच्छे टाइम पे निकले ताकि यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं है, और ये दो गाड़ी रुकी है वहाँ पे पूरा ट्रैफिक था। सो वो क्लियर हो जाएगा उसके बाद अपना नंबर लगेगा। और ये क्या खा रहा है चीटर्स, कैसा खा रहा है खिड़की विंडो से बाहर आके, चेक चेक चेक। जय बद्री विशाल। सिर्फ दो गाड़ियाँ हैं, हमें थोड़ा सा प्रेफरेंस में दिखे। ये रास्ता है ही नहीं, निकल गया नीचे, पूरा ढह गया। सो अगर ये बंद हो गया तो फिर ख़त्म, बात ख़त्म। ऑलराइट गाइस, तो मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे। सो जो होटल के लिए मैंने डाला तो वहाँ पे मुझे मिला नहीं, सो मैं उसके आगे आ गया। और ये JPJ पैलेस होटल है, तो यहाँ पे मैंने 1600 रुपये पर नाइट के हिसाब से 2 दिन के लिए रूम बुक कर लिए। पार्किंग यहाँ पे है, बहुत मुश्किल है यहाँ पे पार्किंग ढूंढना, बट पार्किंग यहाँ पे मिल ये जगह पे कर सकते हो। सो यहाँ पे मुझे पार्किंग मिल गई, अच्छी है।
सुबह के अभी 5:06 हो गए हैं और मैं लग चुका हूँ रोड पे। सो बराबर एग्जैक्टली 5:00 आई स्टार्ट माय जर्नी और होटल से मैं अभी 5 मिनट पहले निकला। सो आज का जो डिस्टेंस है वो है आई थिंक 288 किलोमीटर्स और हम लोग पहुँचेंगे सीतापुर सोनप्रयाग से नैनीताल। सो सुबह के 6:03 और मैं आई थिंक गुप्तकाशी के आसपास हूँ, आई थिंक क्रॉस कर दिया मैंने गुप्तकाशी। तो ये एक व्यू देखिए कितना सही है और यहाँ पे नीचे सो हमें जाना है वो वाले रोड पे, वहाँ तक जो नीचे दिख रहा है ना वहाँ पे। सो अभी हम लोग आ चुके हैं प्रॉपर हाईवे पे। ये है मेरे साइड में मंदाकिनी रिवर, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मैं आके एकदम सामने है, बस कैमरा ये साइड में मूव कर रहा है। मेरे बराबर सामने देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, वो पूरे क्लाउड्स है ना, वह ऐसे लगा है किसी ने चादर डाल के रखी है। बहुत खूबसूरत है, एक लाइन में वहाँ पे थिक फॉग है और उसके ऊपर थोड़े से लाइट वाइट, सही लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। सो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है जब आप ट्रैवल करते हैं। संगम वो साइड में चला गया, अच्छा वो साइड में चला गया संगम। अभी हम लोग अलकनंदा रिवर को फॉलो करते करते जाएंगे, ये बद्रीनाथ वाला रोड है क्या, बद्रीनाथ वाले रूट से जाएंगे। सूरज एकदम अभी बराबर बाहर आ चुका है और क्या नज़ारे हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग में। वहां से हम लोगों ने राइट ले लिया है अल्मोड़ा नैनीताल के लिए। बहुत ही खूबसूरत व्यू है और मेरा गोप्रो बंद पड़ गया तो मैंने अभी बैटरी निकाल के वापस डाली है, अभी चालू हो गया। ये वाला रोड जो है वो बहुत छोटा है, यू कैन सी बहुत छोटा है। जो बड़ा वाला रोड है वो नीचे से जाता है बद्रीनाथ के लिए जो रोड था वहाँ, तो वो नीचे से चला गया, हम लोगों ने अभी राइट ले लिया है। एक खूबसूरत लोकेशन पे हम लोग पहुँच चुके हैं। सही है, दूर दूर तक ऐसे माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है कुछ तो 9 बजने को आया, यहाँ पे रुकते हैं क्या ब्रेकफास्ट करने के लिए क्या, आगे चलते हैं। जो लोकेशन इतना सही लग रहा है ना, माउंटेन के बीच में वो जो प्लाटू है वहाँ पे, प्लाटू मतलब वहाँ पे स्पेस है खेती वगैरह के लोग रहते हैं, कितना सही लग रहा है यहाँ पे। ये 200-300 किलोमीटर जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत अभी तक के किलोमीटर्स हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद एक ढाबा दिखा, सो यहाँ पे भी देखते क्या मिलता है। मैगी तो मैगी जो मिलेगा खा लूँगा, क्योंकि बीच में इतना सुंदर खूबसूरत व्यू था बट वहाँ पे कुछ भी ढाबा टाइप वगैरह कुछ नहीं था। सो लेट्स गो। सो 10:15 के आसपास मैं रुका हुआ ब्रेकफास्ट करने का और हालत कुछ मेरी ऐसी, बट ये पराठा और ये जो चना है बहुत ही सही है। और ये देखो भाई साहब, ये नहीं ये व्यू देखो भाई साहब, क्या खतरनाक व्यू है। ये देख के थोड़ी मुझे नॉर्थ ईस्ट की वाइब आ गई। सही है, बहुत ही खूबसूरत है। सो अभी हम लोग एक बीच रास्ते में रुके, 50 किलोमीटर्स टू गो और ये एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखा यार। हर जगह पे रुकने का मन करता है बट रुक नहीं सकते, पहुंचना भी आगे, बट बहुत खूबसूरत जगह है ये। एक रेस्टोरेंट में रुक चुका हूँ, करंट स्वीट एंड रेस्टोरेंट, ये दिखा बहुत लोकेशन अच्छा है और सबसे बेस्ट चीज़ ये व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सो यहाँ पे थोड़ा टाइम रुकता हूँ, एक 5-10 मिनट, ओ नो 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 वर्क, 5-10 मिनट और फिर निकलते हैं, चाय पीते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ।
ये रिवर एक बहुत ही खूबसूरत रिवर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, लाइट ग्रीन कलर का आयरन ब्रिज, और ये आयरन ब्रिज ये देखिए लाइट ग्रीन कलर। यहाँ से अगर मैं लेफ्ट ले लेते हैं तो अल्मोरा की तरफ निकल जाता है रोड, और यहाँ से अगर हम लोग राइट लेते हैं तो नैनीताल। सो हम लोग लेने वाले हैं राइट नैनीताल के लिए। बहुत सही, ऊपर की तरफ जा रहे बादल सारे, ये देखिए नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, नीचे से ऐसे ऊपर आ रहे बादल। ये है व्यू पॉइंट, लेकिन अभी रुक के इस यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। आई लव नैनीताल क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा है, पूरा नीचे जो फॉग है उसने कवर कर लिया। हम लोग मतलब एकदम ताज़ा ताज़ा लैंडस्लाइड ये हो। सो ये खड़ी डाली हुई इन्होंने और बाइक निकाल रहे, बाइक इधर उधर फिसल रही है, फट रही है सीरियसली, बहुत ही खतरनाक स्वागत हो गया। चल भाई अभी क्यों रुका है। हम लोग पहुंच गए नैनीताल, थोड़े ही टाइम पे एक नेक्स्ट कॉर्नर जो है, नेक्स्ट मतलब थोड़े एक आगे जाके माल रोड के लिए हम लोग राइट ले लेंगे। ये देखिए खूबसूरत नैनीताल के नज़ारे, मतलब अभी तो घर ही दिख रहा है, साइड में लेक है बहुत खूबसूरत। हाँ अच्छा लग रहा है, पहुंच गए फाइनली हम लोग पहुंच गए। अभी यहाँ से ओनली 2.4 किलोमीटर जो है वो मेरा होटल है, और यहाँ पे ना सीधा ऐसे माउंटेन्स के ऊपर है ना लाइन में से होटल के रूम्स है। ओके कहाँ पे जाना है अभी, सीधा। एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना। ओह माय गॉड फर्स्ट गियर, मोमेंटम। ये एक बार बाइक में लेके जा रहा हूँ ऊपर, वापस नीचे नहीं लाने वाला भाई। अबे कितना कौन से पहाड़ पे है। ये है असली व्यू गाइज, ये है असली व्यू। सामने ही नैनीताल लेक है मेरे साथ, और अभी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि पूरा क्लाउड में है सब कुछ, पूरा क्लाउड में। यहाँ पे भी घर है लोगों के ऐसे माउंटेंस के ऊपर, सो यहाँ पे पूरा अभी प्रॉपर क्लाउड है, उसकी वजह से दिख नहीं रहा है। मैं मॉर्निंग में टाइम लैप्स लूँगा सनराइज़ का, बहुत सही दिखेगा। सामने ही बोटिंग वगैरह चल हुए दिख रहा है। ये बाइक लगाइए ना, बहुत ऐसा ऊंचा है, और ये साइड में वापस से स्लोप है। ऐसे करके दो लोगों को पकड़ के हम लोगों ने ये बाइक लगाई है। होपफुली अभी एकदम प्रॉपर स्टेबल है। यस चाउमीन। सो थोड़ा ही आगे आके ये एक फूड ट्रक दिखा, तो यहाँ पे मैं अभी खाने वाला चाउमीन, भूख लगा था, भूख लगी थी, और बहुत दिन से बस पराठा और दाल चावल खा रहा था, तो फाइनली अभी यहाँ पे दो दिन स्टे करने वाला हूँ, सो थोड़ा खा सकते हैं। नंदा देवी है, आप जो इस समय खड़े हैं 2270 मीटर में खड़े हैं, जो पीक आपको दिखाई दे रही 7816 मीटर, इंडिया सेकेंड हाई पीक। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा त्रिशूल, 1-2-3 स्टेप होता है। ओके यस। और ये कौन से नाम क्या है सारे माउंटेन्स के? ये नंदा देवी हो गया, ये नंदा देवी हो गया, नंदा कोट हो गया। ओके यस। इधर को पंचाचोड़ी आ जाता है, अभी ये दिख नहीं रहा, ये त्रिशूल माउंटेन हो गया स्टेप बाय स्टेप। फिर नंदा गुंडी आ जाता है, फिर चौकम्बा जाता है। अच्छा, फिर हाथीमत्था आता है, फिर बद्रीनाथ केदारनाथ। केदारनाथ भी दिखता है यहाँ से पीक। ओके पीक्स दिखते हैं, टेम्पल नहीं। हाँ ऑफकोर्स टेम्पल नहीं। तो गाइज मैं आ चुका हूँ अपने होटल के आजू बाजू में, आज कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाउड है। कुछ तारे वगैरह दिख रहे थे, तारे वगैरह दिख रहे हैं, और पूरा फॉग जो है वो नीचे आ गया। तो जो भी लोग नीचे होटल में रह रहे हो
वो कम्प्लीटली फॉग्ड में, ये देखिए यहाँ से पूरा फॉग है, बट ऊपर आसमान साफ है। साढ़े ग्यारह बज चुके और मैं निकला हूँ नैनीताल देखने के लिए, और उसके साथ साथ ये रूप। सो उतरते टाइम कोई टेंशन नहीं है, हम लोग उतर जाएंगे, बट आधे टाइम इसी से ही आएंगे। और जाते जाते मैं रोड भी देख लूँगा नीचे कैसा है, क्योंकि कल सुबह बाइक लेके मुझे अच्छे रोड से जाना है। फर्स्ट गियर में फुल पावर में कितना स्लो का कुछ ऐसे सिचुएशन है, उसकी वजह से मुझे इम्पोर्टेंट है कि ये रोड जान लेना। चौक से हम लोगों ने राइट ले लिया था और ये पूरा नैनीताल का लेक, और ये रोड जाता है बाजू से मॉल रोड वाला वहाँ तक, वो बोलिए तो फिर वहाँ से हमें ऊपर जाना है। ये जो पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ से मैंने एक बोट हायर की है। सो यहाँ पे फुल राउंड अगर लेके जाएंगे तो वहाँ पे मंदिर है देवी का, वहाँ तक जाते हैं और वहाँ से राउंड मार के आते हैं। 210 रुपये का और हाफ होता है, हाफ कितने का भैया? अच्छा उसमें बस वो ग्रीन वाले छतरी तक ही लेके जाओगे, ठीक है। तो ऐसा तो मैंने क्या किया, 210 रुपये का टिकट मुझे भी लगाया, तो वहाँ जो लाइब्रेरी है वहाँ तक मैं जाने वाला हूँ। सो वहाँ पर उतर के फिर आगे मंदिर में जाएंगे। कौन सा वाला मंदिर है, कौन से देवी का, कौन सा? हनुमान जी और पाषाण देवी। हनुमान जी और पाषाण देवी, ओके। अच्छा अच्छा होटल्स भी यहाँ पे, तो अगर खाना खाना है आपको दोपहर का तो ये लाइन में आप कोई भी होटल जा सकते हो, बाहर रेट कार्ड लगा रहता है, तो रेट देखिए अंदर चले जाइए। सही है, कपड़ों और स्वेटर की शॉप्स बहुत सारी लगी, ऐसे ही सिम बाहर लगती है माल रोड, बट आ रहे हो तो मेक श्योर बार्गेन कर। बैठने के लिए, बैठने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी जगह मिली, बराबर लिख के बैठे, फिश है सामने और सब लोग ऐसे लाइन में बैठे। ये ऑर्डर किया हम लोगों ने चिकन टिक्का मसाला, बटर मसाला और दो रोटी ऑर्डर किया, और इसके बाद चिकन मसाला भेजे।
एंड दे इज सेवेंथ ऑफ अक्टूबर और प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि मनाली में बारिश स्टार्ट हो गई है। तो सुबह के अभी बज चुके हैं 4:56। बहुत मुश्किल से मैं यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि पूरा बारिश है। हाँ, बहुत तेज़ हो रही थी, अभी थोड़ी कम हो गई है, उसके वजह से मैं निकल पाया हूँ। बाइक वगैरह सेट करने के लिए टाइम लग गया क्योंकि बारिश में आपको भीगते भीगते थोड़ा सा इशू हो जाता है। ये देखिए एक नया वाटर क्रॉसिंग। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओ निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया। ब्रेकफास्ट हो चुका है टाइम और अच्छा खासा टाइम यहाँ पे निकल गया। 11:14 हो गए, आधा से ज़्यादा घंटा बनाने के लिए लग गया। सो अभी निकल चुका हूँ मैं, आगे थोड़े से बादल दिख रहे हैं, थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि माइक वाला सेटअप लगा दिया मैंने और सामने ये सारी चीज़ें। टाइम हो रहा है 1:38 बज गए, किलोमीटर्स मैंने क्रॉस कर दिए है 421.1। रिकॉर्डिंग में इसलिए नहीं, कुछ भी ब्लॉग नहीं कर सका क्योंकि कैसे ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, पूरा कंटिन्यूस है, मतलब एकदम भयानक वाली तेज़ नहीं बट बारिश अच्छी खासी हो रही थी। उसके वजह से कैसे है ना मैंने ये सेटअप लगा के रखा है, तो ये मैंने निकाल के सीधा अपने बैग में रख दिया। गाय है ना, ये गाय ऐसे आके है ना बीच में बैठ जाती है, तो ये एक ध्यान रखना पड़ता है। ओवरटेकिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो टोल प्लाजा आ गया और सो गाइस फाइनली मैं ऐसे रोड पे लग चुका हूँ जहाँ से छाती का नाम मुझे दिखाई दिया। बीच में मैंने जैसे बात कर रहा था तो थोड़े टाइम के बाद ही यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई, वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही हेवी बारिश स्टार्ट हो गई थी। इसके लिए मैंने गोप्रो अंदर रख दिया, अभी वापस निकल रहा है क्योंकि अभी प्रॉपर धूप निकली है मेरे पीछे। तो यहाँ से अभी 102 किलोमीटर के आसपास बचा है, तो आराम से अभी हो जाएगा। अभी रूम पे जाके होटल पे जाके मैं खाऊँगा। 102 अभी 2 घंटे में आराम से हो जाएगा। देखिए प्रॉपर एकदम सनलाइट आ रही है। अभी ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा पानी से मस्त एकदम भरा हुआ है। मतलब यहाँ पे पता नहीं, अभी समझ में नहीं आ रहा कि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है उसके वजह से ये बाहर ये ऐसा पानी भर गया है, या फिर खेती के लिए इतना ये लोग यूज़ करते हैं। बट पूरा एकदम जो प्लॉट्स जो है ना, वो पानी में पानी से पूरे भरे हुए। बारिश बहुत ज़ोरों से आने वाली है, तो जैसे ही कुछ ड्रॉप स्टार्ट हो जाते हैं बारिश के, मैं रुकता हूँ और ये GoPro बैग में डाल देता हूँ। 5:44 को आई थिंक टाइम से पहले मैं पहुँच गया और ये है एक्चुअली रूम, ज़्यादा बड़ी नहीं है सो मैं इतना कुछ दिखा रहा हूँ। वॉशरूम बड़ा, फिर मैं ज़रा ऑर्डर कर लेता हूँ, कुछ खाता हूँ, उसके बाद फ्रेश होता हूँ। एंड आज का दिन टुडे इज़ आई थिंक 8th डे ऑफ माई ट्रैवल। 8 तारीख है 8 अक्टूबर और मैं आज घूमने वाला हूँ झांसी। सो अभी बज चुके हैं इसको 10:09 हो चुके हैं।
फाइनली किला का दर्शन हो गया, ये देखिए सामने ही है फोर्ट, अच्छा खासा बड़ा है, टाइम लगेगा शायद से देखने के लिए। तो वो सामने है कड़क तोप, दुनिया इंडिया की सबसे सेकंड नंबर की सबसे डेंजरस, तो फर्स्ट नंबर तो हम लोगों ने देख लिया है राजस्थान में। ये वो स्पॉट है जहाँ से रानी ने अपने बेटे के साथ घोड़े से यहाँ से कूद किया था, ये देखिए ये यहाँ, और फिर वो यहाँ से दूसरे साइड में चले गए। चुके हैं झांसी म्यूज़ियम और टाइमिंग 10:30 से 4:30 बजे। मंडे इज़ वीकली हॉलीडे, सो याद रखना मंडे बंद होता है। ऐसे स्टैचूज बना के रखे हुए बहुत सारे, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई की पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी लाइफ की जो जर्नी है ना वो बताई, जैसे इस वाले में बताया कि उनकी शादी हो गई, इसमें बताया गया है कि दामोदर राव का नाम उनका नाम पड़ा था, तो वो वाली सेरेमनी है, नामकरण सेरेमनी बोलते हैं। इसमें इनकी वॉर बताइए, वो कैसे दोनों हाथ में तलवार लेके रानी लड़ रही है और जो लगाम है वो उन्होंने मुंह में पकड़ी हुई है, और ये अंग्रेज सरकार। सो ये पूरा एक बैटल का और हर चीज़ का, ये ग्वालियर संग्राम, ग्वालियर में जो फाइट हुई थी वो वाली, आई थिंक ग्वालियर की यहाँ पे रानी जी का देहांत हो गया था। फाइनली हमें देखने को मिला रानी लक्ष्मीबाई, देखिए फ्लैग ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, तो कुछ ऐसा फ्लैग हुआ करता था, हनुमान जी थे वहाँ पे, जैसे ये हाथ में पहनते थे ऐसे बाण पट्टा, तलवार, डिफरेंट टाइप ऑफ तलवार। म्यूजियम का ये जो पूरा रूम है ना, ये पूरा भरा हुआ है पेंटिंग्स से जो निकाली गई थी 1800-1600, ऐसे बहुत पुरानी पुरानी, मतलब 300-400-500 साल पुरानी पेंटिंग्स जो है वो यहाँ पे प्रदर्शित की गई है, 500-600 से 700 साल पुराने भी है, बट ये मिनिमम मैंने दिख रहा हूँ कि 1660 या फिर 1750, तो ऐसे पेंटिंग्स है पुराने वाले लोगों ने निकाली हुई। तो ये इसका पूरा ये एक रूम है, उससे भरा हुआ है। कुछ पेंटिंग्स इतनी रियल लग रही है ना, और ऐसे लग रहा है कि किसी ने तो फोटो निकाली थी, ये वाली पेंटिंग्स ऐसे उनकी आंखें जो है ना, एक दिखा देता हूँ, ऐसे लग रहा है कि वो देख रही है बाहर। बहुत रियलिस्टिक पेंटिंग्स कुछ है, कुछ बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक पेंटिंग्स थे, कुछ बस ऐसे ही पुरानी पेंटिंग्स। तो ये देखिए, ये एक थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और ये 6th to 4th century वाली मित्रा, ये 4th century BC तभी की है, इवन ना एक के लिए मैंने ये लिया है चिकन बिरयानी और थम्सअप, क्योंकि यहाँ पे कोई शॉप्स वगैरह दिख नहीं रहा था, और नॉनवेज आजू बाजू में कहीं बराबर से मिल नहीं रहा है, होटल्स ही नहीं दिख रहे हैं। और मैंने अपने होटल में भी पूछा कि नॉनवेज कहाँ पे मिला, हुआ 2 किलोमीटर आगे लगे, छोड़ो उससे अच्छा रास्ते में आते आते अभी बिरयानी वाला शॉप दिखा, तो बिरयानी खा लेते। यस, टुडे इज द आई थिंक पॉसिबली द लास्ट डे ऑफ आवर राइड, बिकॉज आज मैं ट्राई करूँगा कि 1000 किलोमीटर कम्प्लीट हो जाए एंड आई रीच होम। सो ये देखिए सनराइज, जो मॉर्निंग का शेड है वो, क्योंकि अभी हम लोगों ने साउथ के साइड में बाइक मोड़ लिए, रोड अपना जाना स्टार्ट हो गया है। सो बहुत खूबसूरत है ये चीज़, सुबह शाम जब भी आपने देखने को मिलते, ये क्या सामने से आ रहा है,
एक चाय ब्रेक हो गया मेरा और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो अभी डायरेक्टली 10:30 के आसपास हम लोग रुक जाएंगे, मतलब मैं रुक जाऊंगा क्योंकि नाउ आई एम कम्प्लीटली फ्रेश। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं पता नहीं कहाँ पे, बट 350 किलोमीटर्स हो चुका है और मैं अभी रुका हूँ ब्रेकफास्ट के लिए और टाइम हो रहा है कुछ 10:13 हो चुके हैं। सो अच्छी चल रही राइड, अभी भूख लगी थी और यहाँ पे चाय भी बहुत सही मिली और रेस्टोरेंट भी, मतलब बहुत दिनों के बाद मसाला डोसा खाऊंगा और वो बड़ा भी है उसे देख के, बट कुल्लड वाली चाय यहाँ पे मिल रही है, बहुत सही है वो टेस्ट की चाय की, बहुत सही थी। सो अच्छी चल रही है, बाइक भी बहुत सही चल रही है और शायद आज जब मुंबई पहुँच जाऊँगा मैं, सो 500 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो चुके हैं, मैं इंदौर के जो थोड़ा सा आगे आ चुका हूँ, सुबह ब्रेक के लिए मैं रुका हूँ, फ्यूल अभी भी है और 100 किलोमीटर के आगे फ्यूल अप कर लूँगा। अपडेट, हम लोग अभी पहुँच चुके हैं नर्मदा नदी, ये जो है मेरे लेफ्ट साइड में, मतलब मैं देख रहा हूँ लेफ्ट साइड में वो नर्मदा नदी है, तो मैं ज़रा खड़ा हो लेता हूँ, ये दो ब्रिज बने ये जाने के लिए वो आने के लिए, सही है। आफ्टर नाइन डेज आज मैं वापस महाराष्ट्र में एंटर कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। 2 किलोमीटर नासिक इज 237 और अपना घर रहेगा 400 किलोमीटर, हाँ एग्जैक्टली 400 किलोमीटर, क्योंकि 1040 किलोमीटर मुझे होटल से दिखा रहा था। मैं पहुंच चुका हूँ अभी दिल्ली से कुछ 40 किलोमीटर पहले और टाइम हो रहा है अराउंड 3:30 थोड़ा सा थक गया हूँ, कंटिन्यू राइड कर सकते मज़ा आ रहा था यहाँ पर, उतना अच्छा खासा ब्रेक ले लूँगा, पनीर ऑर्डर किया, वेजी सब रेस्टोरेंट मिल रहे हैं यहाँ पे, तो पनीर ऑर्डर किया और रोटी ऑर्डर किया था मैंने, यहाँ पे तो शिजलर आ गया, शिजलर है कम्प्लीटली, गरम गरम और दो रोटी, तो खा लेते हैं शिजलर, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी मांगे थे, तो ये मेरा नहीं मिलेगा, बहुत गर्म है। कुछ अभी ऐसा नज़ारा है, पूरी छाव आ गई है, 4:30-5:15 बजने पर और मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, 690 किलोमीटर्स हो चुके हैं और टाइम हो रहा है 4:40 और अच्छा मौसम एकदम ठंडा हो गया है। पूरा जो एरिया है ना वो भर चुका है, पता नहीं क्या है आज क्या था, सब लोग मतलब चौपाटी की तरह यहाँ पे आके है ना बैठे और हर बाइक पे 3 लोग हैं, ये देखिए 3 लोग हैं आराम से ट्रिपल सीट, ये लोग भी किधर ना किधर से जा रहे हैं, ये बहुत टाइम से चालू है पता नहीं क्यों, बट पूरा भरा हुआ है। राइड कंप्लीट हो चुकी है सर, होप आप सबको ये जो राइड है वो, ये जो ब्लॉग था वो आपको अच्छा लगा रहेगा, सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, उसके साथ साथ जो भी राइड का खर्चा हुआ है जैसे फ्यूल का माइलेज कितना हुआ, स्टे का खर्चा कितना हुआ, फूड का खर्चा कितना हुआ और एक्स्ट्रा में मोस्ट ऑफ जो चीज़ें, मतलब घोड़ा वगैरह किया था मैंने, लेक बोटिंग वगैरह की थी या फिर कोई एंट्री टिकट वगैरह हो जाएगी, ये सारी चीज़ें ऑटो वगैरह की सारी चीज़ें एक्स्ट्रा में डालूँगा, उसके साथ साथ जो सर्विसिंग हुए बाइक, ऑफकोर्स बाइक राइड कंप्लीट हो गया, बाइक के ऊपर राइड हुई है, सो राइड की बाइक की जो सर्विसिंग है उसके बारे उसका भी अकाउंट जो भी अमाउंट होगा वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा और टोटल जो भी खर्चा हुआ है वो भी हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग एंड आई विल एंड दिस व्लॉग हियर और होपफुली ये जो उत्तराखंड का ब्लॉग आए हैं वो आपको अच्छे लगे रहेंगे, सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड इसके आगे भी बहुत सारे वीडियोज आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड।
एंड अभी मैं जाता हूँ आराम से।